एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। लक्ष्मणगढ़ थाने के कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। कांस्टेबल को 7,000 की घूस के साथ पकड़ा गया है। धोखाधड़ी के मामले में रिश्वत मांगी थी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। कांस्टेबल को 7,000 की घूस के साथ पकड़ा गया है। करप्शन के खिलाफ एसीबी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लक्ष्मणगढ़ थाने के कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि 7,000 की घूस जो है लेते कांस्टेबल को पकड़ लिया गया है। धोखाधड़ी के मामले में रिश्वत मांगी थी, तो करप्शन के खिलाफ एसीबी का ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांस्टेबल को 7,000 की घूस के साथ पकड़ा गया है, तो धोखाधड़ी के मामले में रिश्वत मांगी थी और ये बड़ा एक्शन जो है एसीबी की तरफ से लिया गया है। करप्शन के खिलाफ एसीबी का ये बड़ा एक्शन, लक्ष्मणगढ़ थाने के कांस्टेबल को ट्रैप कर लिया गया है। कांस्टेबल को 7,000 की घूस के साथ पकड़ा गया है। आपको बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में इसने रिश्वत मांगी थी और एसीबी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। तो सीकर से ये बड़ी जानकारी, करप्शन के खिलाफ एसीबी का ये बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि कांस्टेबल को 7,000 की घूस लेते पकड़ लिया गया है और धोखाधड़ी के मामले में इसने रिश्वत मांगी थी और एसीबी का ये बड़ा एक्शन जो है वो करप्शन के खिलाफ देखने को मिला है। लक्ष्मणगढ़ थाने के कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है और कांस्टेबल को 7,000 की घूस के साथ पकड़ा गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया धोखाधड़ी के मामले में। कांस्टेबल ने रिश्वत मांगी थी। आपको बता दें कि यह बड़ा एक्शन जो है एसीबी की तरफ से लिया गया है। और आपातकाल की बरसी पर बीजेपी आज देश भर में कांग्रेस पर हमलावर। आपको बता दें कि जनता को याद दिलाया जा रहा है कि कैसे 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। लोकतंत्र का गला घोटने का काम जिस तरह से उस समय कांग्रेस के लोगों ने किया था, उसको याद दिलाना तो इसलिए स्वाभाविक है कि ये बार बार जो अब लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों को याद आना चाहिए कि असली में तो इन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटा था। मैं सबसे काला दिवस था और उस समय देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस लोकतंत्र की हत्या की थी। प्रदेश में इमरजेंसी लगा करके हमारे सबके जनप्रतिनिधियों के सबके अधिकार हनन करने का काम किया था, लोकतंत्र का गला घोटा था। तो निश्चित रूप से, क्योंकि आपातकाल हमारे देश के लिए एक अभिशाप था और ये हमेशा लोगों की स्मृति में रहे कि कांग्रेस ने देश के साथ कितना कुठाराघात किया, इसलिए पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के युवाओं को पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने इस देश के साथ में क्या हालत की थी, ताकि बताएं कि किस प्रकार से, किस हालत में इस कांग्रेस सरकार ने जो कि 25 जून 1975 को किस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत एक आपातकाल लगा के और जनता के साथ में किस प्रकार से कुठाराघात किया है, किस प्रकार से उत्पीड़न किया है, किस प्रकार से उनको परेशान किया है, तो ये बताने के लिए ये 25 जून कल मनाया जाएगा आपातकाल। और जयपुर में शाम होते होते एक सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिए जाने की सूचना आई। जयपुर के सबसे पॉश इलाके विधायकपुरी से गन पॉइंट 75 लाख रुपए की लूट की खबर सामने आई, लेकिन जैसे ही पुलिस एक्टिव हुई और मामले का जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। पचहत्तर लाख की लूट, सबसे बड़ी वारदात। बेटे ने ही भांजे संग रची खौफनाक साजिश। भाई को बुलाया, रुपयों से भरा बैग पकड़ाया। महंगे शौक पूरे करने के लिए खौफनाक वारदात। राजधानी
राजधानी जयपुर के सबसे पॉश इलाके विधायकपुरी में 75 लाख रुपए की खबर फैली तो पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। पुलिस को सूचना मिली कि 2 से 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर शराब कारोबारी के घर में अकेले बेटे को बंधक बनाया और 75 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। केवल 10 मिनट में ही बदमाशों ने फ्लैट में सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया। जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। पूरे इलाके में ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। पुलिस वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ रही थी मामला खुलता जा रहा था। क्योंकि सीसीटीवी में किसी भी बदमाश का मूवमेंट नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस को सबसे अहम सुराग मिला और सीसीटीवी फुटेज में शराब कारोबारी का भांजा ही एक ट्रॉली बैग ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसने पूरे मामले को खोल कर रख दिया। पुलिस के सबसे बड़ी लूट की गलत सूचना दी गई थी और कारोबारी के बेटे ने भांजे के साथ ही पूरी साजिश को रचा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया और खुलासा करने के बाद अब तक की पड़ताल में सामने आया कि आखिरकार कारोबारी के बेटे और उसके अलावा जो उनके रिश्ते में लगने वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने ही अपनी शानो शौकत अच्छी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, रुपयों की जरूरत के लिए इस लूट की वारदात को, एक साजिश को रचा और खुद ही पैसे वहां से निकाल करके ट्रोली बैग में से रख करके इस रुपयों को लेकर के वहां से चले गए। दरअसल शराब कारोबारी का बेटा महंगे शौक रखता था और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए ही उसने अपने ही घर में इतनी बड़ी लूट की साजिश रची और फिर भांजे के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। पुलिस ने सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास से पकड़े गए कारोबारी के भांजे से पूरा रुपया भी बरामद कर लिया है। 70 लाख रुपए लूटा गया है और जिस ट्रॉली बैग में लेके जाना बताया गया वो ट्रॉली बैग विद टोटल लूटेड राशि भी बरामद हो चुका है। कहाँ रखा हुआ था रुपया और कहाँ से बरामद किया गया सर अभी तक, मतलब कहाँ? रिश्तेदारों को बीचों बीच में ही था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है, लेकिन महंगे शौक पूरा करने के चक्कर में रची गई इस साजिश ने सभी को हैरान कर दिया और एक सबक भी दिखा दिया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, न्यू सांगानेर रोड में आ रहे निर्माणों को ध्वस्त करने का मामला सामने आया है। जेडीए के नोटिस के बाद व्यापारी अपने स्तर पर ही निर्माण हटा रहे हैं। 200 फीट सेक्टर रोड में आ रहे निर्माणों को लोग अपने स्वयं के खर्चे पर हटा रहे हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। और आपको बता दें कि 615 निर्माणों को जेडीए ने आज तक हटाने का अल्टीमेटम दिया है। कल से न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए की कार्रवाई प्रस्तावित है। माल सरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर पुलिया तक सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को ध्वस्त किया जाना है और सेक्टर रोड को 200 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड से अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के ऊपर न्यू सांगानेर रोड यानी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर जो सांगानेर पुलिया का इलाका है, यहाँ पर करीब 615 निर्माण हैं, वो चिन्हित किए गए हैं। उन्हें ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है कल यानी 26 जून से प्रस्तावित है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद अपने निर्माणों को यहाँ पर हटाते हुए दिख रहे हैं। जेडीए के नोटिस के बाद में कई निर्माणकर्ताओं ने अपने जो निर्माण है जो सड़क सीमा के अंदर अवरोध बन रहे थे उन्हें हटाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये जो प्रतिष्ठान था, आपका ये शोरूम था, आप खुद हटा रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद में, क्या कुछ पूरा मामला? मैं सुबह ये 200 फीट का जो है ना नोटिस आया कि 200 फीट क्लियर चाहिए,
तो मेरे जो निशान लगाया इन्होंने, मैं वहां तक खुद ही हटा रहा हूँ आज। इन्होंने 26 से लेके 3 जुलाई दिए, पर मैं तो आज 25 तारीख मैंने चला के मेरे हर्चे खर्चे से मैं खुद है ना निर्माण हटा रहा हूँ। और पहले जब ये रोड 30 फुट थी या 100 फुट का था, जब भी मैंने है ना अपने पूरा मैंने है ना मेरे 1000 फुट लंबाई में मेरे 5000 की जमीन गई, मैंने खुद ने चला के निर्माण हटाया था। लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा उसके बावजूद भी, ऐसे क्या है कि लोग इस डेवलपमेंट में सहयोग करना चाहते हैं? आप जो लोग हैं अपने खुद के खर्चे के ऊपर ऐसे निर्माण आप हटा रहे हैं, तो अपनी अपनी समझदारी है। कई जने ना इतने वो है डीड है, वो निर्माण नहीं हटा रहे, न हटाने दे रहे, और स्टे की नाटकबाजी कर रहे हैं कि हमारे पास स्टे है फलाना है। देखिए मेरे पास जो हाईकोर्ट का स्टे है संजीव शर्मा, फिर भी मैं तो चला के हटा रहा हूँ। मैं सहयोग, मैं जीएडी का सहयोग कर रहा हूँ हर तरह से। और वहीं जोधपुर में एक गुस्साए पिता ने मासूम पर केमिकल उड़ेल दिया। आपको बता दें कि केमिकल से बुरी तरीके से 3 साल का जो मासूम है वो झुलस गया है। आग, चेहरा, हाथ सहित जगह जगह से ये मासूम झुलसा है। तस्वीरें भी आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित बच्चे की मां ने अपने ही पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत लेकर के प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। प्रताप नगर सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो केमिकल से बुरी तरीके से 3 साल का ये मासूम झुलसा है, जहां पर आपको बता दें कि उसके पिता ने ही उस पर केमिकल उड़ेल दिया। और ये तस्वीर भी जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो मासूम है जिस पर केमिकल जो है वो उसके पिता ने ही उड़ेल दिया और पूरी तरीके से ये झुलस गया है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, मां ने पति के खिलाफ जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और खबर डिडवाना के दयालपुरा गांव से है, जहां ग्रामीणों ने लूट की वारदात को अंजाम देते 2 बदमाशों को धर दबोचा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की जमकर के पिटाई की है। जानकारी के अनुसार दयालपुरा गांव में 4 बदमाश एक घर में डकैत की वारदात को अंजाम देने के लिए गए, लेकिन वो वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ही ग्रामीणों को उसकी जानकारी मिली। बहुत से लोग प्रभावित थे और ये बहुत ही हम सभी के लिए बहुत दुख की बात है और एक काला दिवस है, जिसके लिए हम सभी को आज भी हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे देश में। उस दौर में संविधान को यहाँ पर धका बताया गया था बुरी तरह से, पूरा ही नहीं, इनको करनी नहीं चाहिए संविधान की बात। जितनी बार इन्होंने संविधान का को बदला है और जिस तरह से इन्होंने इमरजेंसी के दौरान जो किया देश में, वो देश कभी नहीं भूलेगा और माफ भी नहीं करेगा। उस दौर में संविधान को उन लोगों पूरी तरह से संविधान ही नहीं था, सब कुछ सारी एजेंसीज को टेक ओवर कर लिया, सब कुछ बंद कर दिया और एक तरीके से डिक्टेटरशिप स्थापित की थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और आज वो संविधान की बात, एक सवाल, आपको सम्मानित किया जाना है अगली बार वो जी, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी। बर्लिन में जो आयोजन होता है GITB का, वो अगले वर्ष होगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, स्ट्रांग रूम से गायब OMR शीट हुई है। विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम से OMR शीट गायब हुई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा PG PhD 2024 की जो शीट है वो गायब हुई है। कृषि विश्वविद्यालय के डीन ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। मामले की जांच में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको जोधपुर से दे रहा है, जहां पर स्ट्रांग रूम से OMR शीट गायब हुई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम से ये OMR शीट गायब हुई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा PG PhD 2024 की शीट गायब हुई है। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि खेरोट के घनश्याम प्रजापत हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने एक आरोपी जय सिंह लबाना को हिरासत में ले लिया है और गुस्साए ग्रामीणों ने एक बार फिर से जो है मार्ग जाम कर दिया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग की जा रही है और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले ये भी कहा जा रहा है। परिवार को मिले 1 करोड़ रुपए का मुआवजा ये भी मांग की जा रही है। जिला चिकित्सालय और खेरोट गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मृतक का शव जो है जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखा गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें कई जगहों पर दबिश भी दे रही है। बीती रात आपको बता दें कि घनश्याम की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी। 5 से 6 लोगों ने घर में घुस करके इस वारदात को अंजाम दिया था। शराब ठेकेदार जो है लाला पठान को वारदात का जो है वो सूत्रधार माना जा रहा है। पूरे मामले में अब जो है जांच पड़ताल की जा रही है और जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।
कोटा में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को पुलिस ने उग्र मानते हुए दो मुकदमे दर्ज किए हैं और आपको बता दें कि इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित कई विधायकों सहित कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ और पुलिस कर्मियों की ओर जो है ये दर्ज करवाए गए मुकदमे में छीना झपटी करने, धक्का मुक्की, मारपीट, राजकार्य में बाधा जैसे आरोप लगाए गए हैं। नीट परीक्षा रद्द करने, बिजली पानी की व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर के कल कलेक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके आक्रोश जताया था और इस दौरान पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को हटा करके कलेक्ट्रेट में प्रवेश की कोशिश की थी और इसी मामले को लेकर के पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में काफी देर तक जो है बहस और धक्का मुक्की भी हुई। और खबर कोटा से है जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आपको बता दी कि कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ को धमकी दी। उन्होंने कहा, कोटा आईजी अपने आप को संभालो, भाजपा के कहने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जाति मत करो, नहीं तो जीना हराम कर देंगे, कानून के हिसाब से काम करो और ओम बिरला और सीएम भजनलाल शर्मा नहीं बचा पाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कार्यकर्ताओं पर जाति नहीं रुकी तो घुटनों के बल नहीं चलाया तो मेरा नाम भी गोविंद सिंह डोटासरा नहीं। आपको बता दें कि डोटासरा ये बात सोमवार दोपहर सर्किट हाउस के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान कही है। एक आईजी है उसका नाम है रविदत्त गौड़ और वो बीजेपी के कहने से कांग्रेस के लोगों के पैदा करता है जोर, तो श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब आप अपनी आदत से बाज आ जाओ नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, मैं ओम बिरला बचा सकेगा, मैं भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के काले कारनामों पर करके इस पटल के ऊपर रखने का काम करेगा, और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रविदत्त गौड़ अपने आप को संभालने, वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा जीना हराम। और अगली खबर पाली से है जहां मनरेगा में फर्जीवाड़े की यहां तक हद पार हो गई कि इटनंद्रा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव सेदरिया में मेट ने पोर्टल पर दो कुत्तों का फोटो अपलोड कर 9 श्रमिकों की उपस्थिति बता दी। ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद किसी भी अधिकारी को यह फर्जीवाड़ा पकड़ में नहीं आया। शिकायत होने के बाद आपको बता दें कि लोकपाल चैन सिंह पवार के आदेश पर वीडियो नारायण सिंह राजपुरोहित ने यहां के मेट अरविंद कुमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दरअसल यह फर्जीवाड़ा 15 अप्रैल का बेरा चोसिया से बेरा कुमारी वाला तक बन रही ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य के दौरान का है। यह कार्यस्थानी मेट अरविंद कुमार ने की, मेट ने इस फोटो को आपको बता दे कि ऐप पर अपलोड किया था और एक जो है मस्ट्रोल के तहत साइट से 10 मजदूरों के फोटो अपलोड जो होते हैं। मामला तब सामने आया जब लोकपाल अधिकारी चैन सिंह पवार को एक ग्रामीण ने शिकायत की। और उधर बीकानेर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। कमला कॉलोनी स्थित कोल्ड स्टोरेज पर यह कार्रवाई हुई है। सड़ा और फंगस लगा 130 किलो मावा बरामद किया गया है और मावे का मालिक जो है वो नहीं मिला, इस वजह से इस मावे को नष्ट कराया गया है। कई दुकानों से मावे के सैंपल लिए गए। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो फंगस आप देख पा रहे हैं, फंगस से लगा हुआ ये पूरा मावा, इसको नष्ट किया गया है। तो कई दुकानों से सैंपल भी लिए गए। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है। और कोटा में सरकारी केंद्रों पर परिवहन और तुलाई करने वाले ठेकेदारों ने 6.25 करोड़ का भुगतान न होने से नाराज होकर के आंदोलन की धमकी दी है। ठेकेदारों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं किया गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। आरोप है कि राजफेड ने समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन और गेहूं की खरीद, परिवहन एवं कमीशन की बकाया राशि का भुगतान पिछले 3 साल से नहीं किया है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर परेशान है। बताया ये जा रहा है कि संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में
समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, दलहन, तिलहन और गेहूं की तुलाई, लदान और परिवहन का पैसा पिछले 3 साल से ठेकेदारों को नहीं दिया गया है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट पोर्टल आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। राजखेड़ खरीद वर्ष 2020 से 24 तक हमारा HNT का पैसा जो कि राजखेड़ द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हम सभी ठेकेदार कोटा संभाग के मिलकर राजखेड़ पर कूच करने वाले हैं। हमें लगभग 6.25 करोड़ रुपए राजखेड़ से हैंडलिंग और परिवहन के लेने बकाया चल रहे हैं। हम इस बारे में कई बार राजखेड़ के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं और CM साहब को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस संदर्भ में हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। PHED में एक और महा घोटाला सामने आया है। PHED में 350 करोड़ रुपए की सरकारी सामग्री गायब हुई है। आपको बता दें कि इंजीनियर्स की कस्टडी में सरकारी सामग्री जो है वो रखी गई, जो कि गायब सरकारी खजाने से इंजीनियर्स ने जो है पूरी सामग्री खरीदी थी। 350 करोड़ के सरकारी DI पाइप और HDPE पाइप, रबर ज्वाइंट्स और समरसिबल पंप, इलेक्ट्रिकल पैनल, वॉल्व सहित सभी सामग्री गायब बताई जा रही है। सीकर, झुंझुनू, नागौर, अलवर, शाहपुरा, कोटपुतली, जयपुर, बैरोर, महुआ, सिकराय, बांदीकुई, मंडावर में ये घोटाला हुआ है। इंजीनियर्स ठेकेदारों पर सामग्री को गायब करने की आशंका जताई जा रही है। ठेकेदार पदमचंद जैन को सामग्री का जो है 450 करोड़ का भुगतान किया गया था और श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल को ये भुगतान हुआ है। आपको बता दें कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 90% भुगतान किया गया और सरकारी सामग्री गायब होने से जलदाय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामले पर जलदाय प्रशासन ने उच्च स्तरीय जाँच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, अनियंत्रित तो आपको इस बात को भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज 50 साल हो गए हैं, 50 ईयर्स, 50वां साल है जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा, 19 महीने से ज्यादा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान और